नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे गिनती के माध्यम से आने से उसके आए बाहर सुपर हिट ओल्ड हिट सॉन्ग है, जिसको आप कभी भी प्ले करो मज़ा आ जाए। आप कभी कुछ प्रोग्राम या फिर बाद में कहीं पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप इस गाने को आसानी से बजा सकते हो। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए वीडियो ज़रूर खास रहेगा कि आप एकदम आसान तरीके से इस गाने को किस तरह अपने कीबोर्ड के ऊपर प्ले कर सके। मैं आपको 1 से 7 की गिनती के बीच में इस तरीके से अरेंज करके बताऊंगा कि आप इस गाने को कभी भूलोगे भी नहीं, और आप स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन एक एक शब्दों को आसानी से इसके ऊपर बजा पाओगे और सीख पाओगे, ठीक है। उसके साथ जो इसकी बैकग्राउंड में रिदम चलती है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि आप इस रिदम के साथ किस तरीके से इसको बजा सकते हो। इसलिए एक एक लाइन में आपको प्ले करके बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और फिर इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते पूरे गाने को सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, नहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आने से उसके आए बाहर जो उसका जो स्टार्टिंग का मुखड़ा पार्ट है आपको प्ले करके बताता हूँ, फिर 1 से 7 की गिनती के बीच में सीखते हैं, ठीक है। तो किस तरह? ठीक है, काफ़ी प्यारा ये स्टार्टिंग का मुखड़ा पार्ट है। अगर आप इसमें ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 ही सुरों का मेन इसमें यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर ही फोकस करते हैं, और 1 से 7 की गिनती के बीच में। और जो इसका मेन जो मुखड़ा है वो भी जिसका जो अंतर है वो भी इन्हीं सुरों के ऊपर प्ले हो जाए, इसलिए आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप इन्हीं 7 सुरों के ऊपर इस गाने के मुखड़े और अंतरे पार्ट को आसानी से बजा पाओगे और सीख पाओगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप एक बार इस पे ही फोकस रखिए, और फिर बाद में धीरे धीरे एक एक लाइन बाय लाइन हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 7 ऊपर नोट्स आएंगे जैसे जैसे मैं एक एक लाइन आपको बताऊंगा। तो गाने की पहली लाइन किस तरह, ठीक है, आने से उसके आए बाहर, ठीक है, किस तरह यहाँ से शुरुआत होगी, मीन्स 5 जो 5 नंबर है वहाँ से गाने की शुरुआत होगी, आने से उसके आए बाहर। फिर 1 2 3 तीन ही सुरों का यूज हुआ है, किस तरह अगर आपको नोट बताऊं तो 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 6 5, ठीक है, ऊपर नोट शो रहे हैं। तीन ही सुर है, ठीक है, रिदम के साथ। तो इसके बाद में सेकंड लाइन, काफी शानदार, मतलब किस तरह 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2, ठीक है, 1 2 3 4 चार ही इसमें शुरू का यूज है, नोट ऊपर आगे होंगे, 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2। इसके बाद में बड़ी मस्तानी थी मेरी महबूबा वाली लाइन, इसलिए देखो हमने एक एक लाइन सीखी। पहले हमने ये लाइन परफेक्ट की, आने से उसके आए बार, उसके बाद में सेकंड लाइन। अब दोनों लाइनों को हम साथ में मिला के प्ले करेंगे, अगर आपने सीख लिया है। अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो तो देखो वीडियो को पॉज करो, फिर बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर आगे देखो। आपको मैं स्लो तरीके से इसमें भी बता रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसे, नहीं बाद में आपको नोटेशन भी गिनती भी उस हिसाब से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो रिदम के साथ ठीक है, इसके बाद में बड़ी मस्तानी थी मेरी महबूबा, दो लाइन परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। मैं गिनती के माध्यम से एक बार आपको इस तरह समझा सकता हूँ, इसी तरह इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे किसी भी गाने को अगर आप जल्दी से प्ले कर लो तो आपको एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को नहीं आगे भी सीखना चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग में जो ये म्यूज़िक है या फिर कोई भी प्रकार की चीज़ है बढ़िया, वो स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग हो जाती है, इसलिए बंदा बहुत सारे बंदे उसी समय उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप छोड़ दे तो आप एक बहुत बढ़िया रास्ते पे जाते जाते चूक गए हो, इसलिए ऐसी चीज़ें आप कोई भी गाने प्ले करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपने आप को मोटिवेट करें, और फिर जैसे देखो अगर आप कोई भी चीज़ में थोड़ा बहुत भी सक्सेस हो जाते हो तो आप इसमें और भी सक्सेस होना चाहते हो। तो आपने अगर एक गाना प्ले कर लिया तो आप और भी गाना प्ले करना चाहोगे, इसलिए इस तरीके से गिनती के माध्यम से आप सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सीख जाए, क्योंकि आसान तरीका होता है, लोगों को समझ में जल्दी बैठता है, इसलिए अगर आप सीख जाओ तो फिर और गाने तैयार करो, ठीक है। तो इस तरीके से यही मोटिव है गिनती के माध्यम से सिखाने का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी लाइन पे, मेन लाइन जो गाने की, बड़ी मस्तानी थी मेरी महबूबा, एकदम फील देती है, किस तरह
फिर मेरी महबूबा, काफी ही शानदार। ठीक है, किस तरह बड़ी मस्तानी थी मेरी महबूबा। नोट्स के हिसाब से हम देखें तो ये वन है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा तो यहाँ से शुरुआत होगी, वन वन टू थ्री फोर, थ्री टू थ्री। ठीक है, वन वन टू थ्री फोर, थ्री टू थ्री, वन टू थ्री फोर, चार सुर है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हम थोड़ा अलग कर देते हैं ये नोट्स, आप अगले नोट आ गए। फोर थ्री टू वन, वन वन मेरी महबूबा, पूरी लाइन फिर से। क्लियर? तो पूरे स्टार्टिंग के मुखड़े पार्ट को एक बार रिदम के साथ प्ले करेंगे, मजे के साथ। रिदम के साथ आपको प्ले करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको उस बीट में हो एकदम मैच, मतलब जो रिदम के साथ चलता है वो अलग नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप ओरिजिनल गाने को सुनिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको रिदम का मेन इसमें जो टाइमिंग का सही है वो आपको पता चलेगा कि भाई कितने सुर के ऊपर कितने देर रुकना है। ठीक है, कौन से सुर को प्ले करना है वो तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन कितने सुर के ऊपर कितने देर रुकना है वो आप गाने को ओरिजिनल को सुनिए, और अगर आपका सुना हुआ है तो आपको टाइमिंग भी आपकी परफेक्ट ही आएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं गाने के मुखड़े की तरफ। उससे पहले एक बार अंतरा की जो लास्ट लाइन थी, बड़ी मस्तानी थी, उसको हम रिदम के साथ प्रैक्टिस करें तो। वन टू थ्री फोर, चार ही सुर थे, इसलिए ज़्यादा चार ही सुरों के ऊपर जो लाइन प्ले हुई, इसलिए हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बढ़ते हैं गाने के अंतरे की तरफ। गाना के अंतरा भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। किस तरह, पहले आपको प्ले करके बताता हूँ, फिर देखते हैं और सीखते हैं इसका ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये था इसका अंतरा पार्ट, काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा आसान था, इसलिए हम देखते हैं, आप सीखते हैं एक एक लाइन इसकी। गाने की जो पहली लाइन है, किस तरह, ठीक है, तो पहले इसी लाइन को परफेक्ट करते हैं। तो इसमें वन टू थ्री फोर, इन चार सुरों को यूज हुआ है, थ्री फोर फाइव और सेवन। ठीक है, किस तरह नोटेशन ऊपर आ गए होंगे, सेवन फाइव सेवन, फिर फाइव फोर थ्री। किस तरह, इसके बाद में ठीक है, किस तरह। इसमें देखो एक चीज है, जैसे आप यहां पे नोटिस करोगे, यहां पे एक सुर और यूज हो रहा है। आप तो बात कर रहे थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन की, लेकिन यहां पे एक और कहां से आया। तो देखो इसका फंडा ये है, अगर आप एकदम नए बिगिनर से तो आप इसमें नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एकदम इजी चीज है, जिसमें देखो एक एक अलग अलग सप्तक होते हैं। ये इधर सप्तक है, ये इधर है, फिर सेम चीज़ इधर है। ठीक है, ये इधर पांच पांच का जोड़ा इधर है, फिर पांच का इधर, फिर पांच का इधर। तो अलग अलग सुर है, इधर आवाज़ मोटी होती है, इधर पतली होती है, लेकिन जो सुर रहेंगे वो हमारे सेम ही रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे सुर है, तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। इसके आगे कौन सा है, स ही है, जो हमारा मतलब जो वन है वही है। जैसे इसके आगे कौन सा है, हमारा स ही है, मीन्स वन है, मतलब ये सुर एक ही हुए। ठीक है, ये और ये एक ही हुए, इनकी खाली आवाज, इसकी मोटी है, इसकी पतली है। ठीक है, तो ये दोनों सुर एक ही हुए एक तरीके से, इसलिए हम इसको भी साथ ही मानेंगे, इसको हम माइनस सेवन मान लेंगे, क्योंकि ये इसकी आवाज इस तरफ है, इसलिए अगर हम मैथ में देखें तो इस तरफ जो माइनस होता है, इसलिए इसको हम माइनस सेवन मान लेंगे और इसको मेन सेवन। ठीक है, तो इसलिए हमारा वही साथ ही सुरों का यूज हुआ, इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो किस तरह अगली लाइन, किस तरह, टू टू, फिर थ्री फोर थ्री टू वन, वन टू टू वन सेवन, वन वन, एक दफा फिर से, टू टू थ्री फोर थ्री टू वन, वन टू टू वन सेवन, वन वन। क्लियर, एकदम क्लियर। अब गाने में खाली दो ही लाइन और बची है, इसके बाद में गाने की जो सेम मुखड़ा पार्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, अगले लाइन किस तरह, एकदम आसान, तीन ही सुर के ऊपर है, थ्री थ्री फाइव फोर थ्री। किस तरह, थ्री थ्री फाइव फोर थ्री, एकदम आसान। इसके बाद में वाले आने किस तरह,
बहुत ही आसान, 4 4 6 5 6 5 4 3 2, किस तरह? इसके बाद में बड़ी मस्तानी थी मेरी महबूबा, सेम पहले वाली, इसके मैं ऊपर नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया, सेम इसी तरह सिमिलर रहेगी। वन वन टू, वन वन टू थ्री फोर, थ्री टू थ्री फोर, थ्री टू फोर, थ्री टू वन वन वन, ठीक है। इसके बाद में सेम वापस हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी प्रकार से पूरा गाना आगे की तरफ बढ़ेगा और गाना इसी तरीके से एंड होगा, ठीक है। तो होप आपने यहाँ तक सीखा होगा, पूरी पूरी आशा है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप आसानी से इसको सीख गए होंगे, और फिर भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पीछे कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सीखिए, और अगर आपका कोई भी ख्याल है, कोई भी सवाल है तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा, और आने वाली वीडियोस में आपको कौन से गाने चाहिए वो भी मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वीडियो के लिए, ठीक है। तो होप आपका ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका समय है वो यूजफुल रहा होगा, और मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की एक और नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।